नमस्कार साथियों, आज हम फिर बात करेंगे कुवैत के बारे में। जी हाँ भाई, मेसन का काम में मैंने बोला था और ऑफर लेटर अग्रीमेंट दे दिया कारपेंटर का। तो बोला कि कोई बात नहीं, कारपेंटर है लेकिन काम आपको हम आपको मेसन का दिलवा देंगे। ये बंदा मेरे पड़ोसी का है, एक ऑफर लेटर आया। और ये ऑफर लेटर जहाँ तक मैं देखता हूँ, और अनपढ़ कैटेगरी के बेचारे भोले वाले लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता, उनको ये ऑफर लेटर आ जाते हैं। और वो सियाणे इसलिए बनते हैं कि वो फेसबुक पर कहीं ना कहीं उनके सामने वो ऐड आ जाता है और वो कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि तनख्वाह उसमें ज़्यादा दिखाई गई होती है और पैसा उसमें बहुत कम लिया गया होता है। इस बंदे का मेसन में बता दूँ 230 KD पर मंथ सैलरी बताई गई थी, और पैसे की बात करें तो मात्र 40,000 रुपये देने थे, और वो भी 20,000 रुपये इंडिया में वीज़ा टिकट सब कुछ होने के बाद में 20,000 देने, बाकी 20,000 तनख्वाह से कटवाने दुबई में जाके। तो बंदा लालच में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन उसमें कंडीशन थी कि 5,600 रुपये आपके मेडिकल होगा, और वो भी मेरे डिस्ट्रिक्ट सीकर ज़िले में। जी हाँ, अब भाई मेरे राजस्थान सीकर ज़िले में लोग ऐसा काम करने लगे हैं। मैंने इस बंदे को कॉल भी किया था, मेरे पास इसका विजिटिंग कार्ड आया था, 3 दिन से लगातार मैं कॉल कर रहा हूं, लेकिन ये बंदा मेरा मेडिकल वाला कॉल रिसीव नहीं कर रहा। अब क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, हालांकि देखते हैं, थोड़ा इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। एक दो बार पहले भी मेरे पास ऐसे हुआ था कि चंडीगढ़ के लोगों ने बोला कि आप ये देखिए, एक एजेंटों का एक फंडा होता है भाई, आप जहाँ के आसपास के होना, ये मेडिकलों से सेटिंग कर लेते हैं, मेडिकल सेंटर से, समझ गए, और उनको कॉन्टेक्ट रखते हैं कि आपको हम जैसे 6,000 दे रहा, 1,000 आपके, बाकी आप हमारे खाते में ट्रांसफ़र कर दीजिए, ऐसा इनका एक टाइप होता है। तो एक चंडीगढ़ का बंदे का भी ऐसा ही सेम हुआ था, बोला आपको सीकर में मेडिकल करवाना, 8,000 रुपये उसको मेडिकल के बताए थे कनाडा के नाम से, इसको दुबई का कुवैत का मेडिकल बताया गया था, सीकर में 5,600 रुपये लेके आप जाइए और आप मेडिकल करवा लीजिए, और ये तो आपका प्री मेडिकल होगा, दूसरा मेडिकल आपका कंपनी की तरफ से गमका में होगा, वीज़ा आने के बाद में वो कंपनी करवाएगी जयपुर में अपनी तरफ से पैसा दे के। ये सिस्टम इसको बताया गया, इसने मेरे से कॉन्टेक्ट किया, मैंने इसके सीकर वाले एजेंट के जो मेडिकल वाला था नंबर मांगे, नंबर उसने अभी मेरा कॉल रिसीव नहीं किया है, 2 नंबर थे, दोनों पे मैंने 3-3 बार ट्राई किया, कॉल रिसीव नहीं हो रहा, नहीं उनका कॉल वापस आया। जी हाँ, लेकिन कोई नहीं, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, जल्दी इनको लपेटे में लेंगे हम। आगे मैं दिखा दूँ, इसमें ऑफर लेटर ये आया भाई, ये देखिए, ये डीपी वर्ल्ड ऑफर लेटर है, देखिए ये ऑफर लेटर है, कुवैत का नाम से बंदे को दिया गया है, ये ऑयल कुवैत ऑयल कंपनी का ऑफर लेटर है जी, उसमें पूरा एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया गया है, एक तरफ उर्दू में लिखा है, एक तरफ हिंदी में लिखा है, आप देख सकते हैं। कारपेंटर का बंदे को तो मैंने बताया कि ये कारपेंटर है भाई, तू मेसन क्यों कर रहा है, बोला हाँ मैं कारपेंटर का भी जानता हूँ अलग बात है, लेकिन ये गलती से कारपेंटर, क्योंकि एडिट किया हुआ होता है उसमें, तो नाम कई बार चेंज कर देते हैं, कई बार लोग भूल जाते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। 230 KD इसमें तनख्वाह बताई गई है, देख सकते हैं आप कारपेंटर के जॉब में। बाकी नीचे देखेंगे तो सब कुछ मिल रहा है, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिनिमम 2 ईयर्स है, पैलेस ऑफ कुवैत में जॉब करना है, ट्रायल पीरियड आपका 2 मंथ का रहेगा, वर्किंग आवर्स आपका 8 घंटे ड्यूटी रहेगी, अकोमोडेशन बाई कंपनी है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी देगी, कंडीशन द ट्रीटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटमेंट सेटलमेंट वगैरह पर कुवैत का जो लेबर लो उसके हिसाब से होगा, हॉस्पिटलाइजेशन सब कुछ कंपनी देगी। तो ये ऑफर लेटर है, ये बंदा अगर मेरे संपर्क में नहीं आता तो 100% ये मेडिकल करवा के 5,600 रुपये सीकर में कर दे देता आराम से। वीज़ा कहाँ आना था भाई, ऑफर लेटर पर मेडिकल होते हैं बस, हो गया मेडिकल बहुत है, फिर कहाँ वीज़ा, कहाँ उनके पैसे, हो सकता है उनको वीज़ा भी दे दिया जाता, जो एक बताता हूँ मैं 10 अंकों का जो वीज़ा होता है, वीज़ा नंबर जिसको लेके आपको गमका में जाना होता है मेडिकल के लिए, वो वीज़ा भी इनको दे दिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 20,000 रुपये फिर इनसे ले लेते। हाँ, 20,000 कुवैत पहुँच के देने होते हैं, वो उनको देने नहीं पड़ते, क्योंकि बंदा कुवैत पहुँच ही नहीं पाता, पता है यार वीज़ा सब कुछ बंद है, फ्लाइटें बंद हैं, फिर भी देखो लोग ऐसी की तैसी कर रहे हैं लोगों की, गरीब बंदों की, और मेरे सीकर ज़िले में ये काम हो रहा है मेडिकल के नाम से। चलो देखते हैं आगे, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।